डियर स्टूडेंट्स, अब ये 12th क्वेश्चन रहता है हमारा वर्कशीट 2 का। तो ये करेंगे हम सबसे पहले, ए गैरिसन ऑफ 120 मैन हैज प्रोविजन फॉर 30 डेज। एक 120 मैन की एक सेना है, उनके लिए खाने का सामान जो है, भोजन जो है, वो 30 डेज के लिए है। एट द एंड ऑफ 5 डेज, 5 डेज के बाद, 5 मोर मैन ज्वाइंट देम, 5 मोर मैन ज्वाइंट देम एट द एंड ऑफ 5 डेज, 5 दिन के बाद। 5 डेज आफ्टर 5 डेज, 5 मोर मैन ज्वाइंट देम, हाउ मैनी डेज कैन दे सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविजन। तो ये कितने दिन जो है वो प्रोविजन, जो खाने का सामान है, उनके लिए चलेगा, कितने दिन और चलेगा ये। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो 120 मैन हैज प्रोविजन फॉर 30 डेज। 120 मैन, एक तो मैन है और एक डेज है। तो 120 मैन हैज प्रोविजन फॉर 30 डेज। 30 डेज तो वो चलता ही है उनका, 120 मैन का खाने का सामान। तो 5 एट द एंड ऑफ 5 डेज, यानी 5 डेज जो है वो 120 मैन ने खाया है, ठीक है। तो बाकी के डेज क्या बच गए हमारे पास, जो 120 मैन जो है उनका प्रोविजन बचेगा, जो खाने का सामान है। 5 डेज तो उन्होंने खा ही लिया, ठीक है, जो सामान था खाने का, भोजन था, वो 5 डेज तो उन्होंने किया ही है 120 मैन ने। तो बाकी के डेज क्या बच गए हमारे पास, 30 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 बच गए। तो 25, 120 मैन जो है, 25 डेज, यहाँ पे 120 मैन लिखेंगे, और 30 माइनस 5 माइनस कर दो 30 में से, तो 25 डेज बचते हैं बाकी के। अब यहाँ पे 5 मोर मैन ज्वाइंट देम, अब 5 इसके अंदर ऐड कर दो, 120 प्लस 5 कितने हो गए टोटल मैन, 125 रह गए। तो हाउ मैनी डेज कैन दे सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविजन। तो बाकी के भोजन पे वो कितने दिन तक रह सकते हैं, कितने दिन चलेगा वो भोजन, वो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज। अब देखिए, इसमें 5 डेज हमने लेस किए हैं, क्योंकि वो 120 मैन का जो खाना था वो 30 डेज का तो है ही है। तो 5 डेज वो खा चुके, बाकी के क्या बच गए, 25 डेज बच गए। फिर 25 डेज के बाद देखो, 5 मोर मैन ज्वाइंट देम, तो 5 और आगे व्यक्ति, तो 125 हो गए। अब ये 125 कितने दिन उस भोजन को खाएंगे, ठीक है, कितने दिन वो चलेगा, तो वो हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो गए, तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ये इनवर्स वेरिएशन का रहेगा, क्योंकि खाने का सामान है, तो जब 120 मैन 25 डेज खाते हैं उस भोजन को, तो 125 मैन उसको कम दिन खाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो गए, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये इनवर्स वेरिएशन रहेगा। तो ये इनवर्स वेरिएशन के लिए वही ए, ये बी है, तो ए इंटू बी क्या होता है, कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। तो ए इंटू बी करो, 120 × 25 इज इक्वल टू 125 × इसको क्या लेट कर लेंगे हम, ए लेट कर लेंगे, या पी लेट कर लो, पी लेट कर लिया। तो 125 × p इज इक्वल टू 120 × क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। 120 × देखो, 120 a × b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, तो 120 × 25 इज इक्वल टू 125 × p, तो 125 p इज इक्वल टू 120 × 25। तो p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 125 को इधर कैरी करो, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड कर दो, 25 × 25, 25 × 5 = 125, 5 से कैंसिल कर दो, 5 × 2 = 10, 2 बच गए, 5 × 4 = 20। तो ये आ गया हमारे पास 24 डेज। तो ये जो गैरिसन है वो 24 डेज चलेगा, यानी ये सॉरी, जो प्रोविजन है वो 24 डेज के लिए होगा।
ठीक है। तो वो जो सेना की टुकड़ी है यानी वो 25 यानी 125 मैन जो है इंक्रीज हो गए, तो 125 हो गए, तो 125 मैन जो है वो 24 डेज उसके ऊपर सस्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करेंगे। इसके बाद आता है वर्कशीट। अब देखिए वर्कशीट 3 से पहले ये हमारे पास एक टॉपिक दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के लिए देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। एज यू नो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम टेकन बाय हिम और हर टू कंप्लीट इट। तो जो वर्क डन होता है, कोई भी पर्सन जब वर्क डन करता है वो टाइम के साथ साथ डायरेक्टली वेरी करता है, ठीक है, जिससे कि वो उसको कंप्लीट करता है। तो नंबर टू क्या है, अब यानी वर्क डन जो है डायरेक्टली वेरी करता है टाइम के साथ साथ। सेकंड है नंबर ऑफ पर्सन्स परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर वर्क वेरीज इनवर्सली। जब नंबर ऑफ पर्सन्स एक पर्टिकुलर वर्क को करते हैं वो इनवर्सली वेरी करता है विद द टाइम टेकन बाय देम, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स ये ध्यान रखेंगे, ये हमने पहले भी किए हैं क्वेश्चन अभी वर्कशीट 2 में। भाई इतने पर्सन जो है उस वर्क को, मान लो 20 पर्सन जो है एक काम को 30 डेज में करते हैं, तो जब पर्सन इंक्रीज कर देंगे तो कम दिन में करेंगे, यानी नंबर क्या हो गया, ये नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो गए तो डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनवर्सली वेरी करेगा। इसके बाद ऐसे ही स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, मैंने स्पीड और टाइम बताया था, स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट एट ए पर्टिकुलर टाइम वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। स्पीड और डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्टली वेरी करेंगे, ठीक है। लेकिन आगे है स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी एंड टाइम टेकन टू कवर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस वेरी इनवर्सली विद ईच अदर। अभी हमने बताया था कि स्पीड के साथ साथ टाइम जो है, स्पीड बढ़ती है तो टाइम डिक्रीज होता है, स्पीड कम होती है तो टाइम इंक्रीज होता है, तो वो इनवर्सली वेरी करेंगे। इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन बाय ए मूविंग बॉडी वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम, डिस्टेंस और टाइम के जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्टली वेरी करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्टली वेरी। देखिए अब वर्क डन और टाइम डायरेक्टली वेरी करते हैं, जबकि नंबर ऑफ पर्सन्स और वर्क यानी टाइम उसका, नंबर ऑफ पर्सन्स और टाइम डायरेक्टली यूनिवर्सली वेरी करते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस डायरेक्टली वेरी करते हैं, स्पीड एंड टाइम इनवर्सली वेरी करते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम डायरेक्टली वेरी करते हैं। तो ये हमें बेसिक बातें हैं इसकी पता होनी चाहिए, तो जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसी से हमें पता लगता है कि क्या डायरेक्टली होगा और क्या इनवर्सली होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो तुम्हें बतानी थी। अब इसके बाद इसकी वर्कशीट आती है, तो वर्कशीट 3 में देखिए रमित, फर्स्ट क्वेश्चन है रमित कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 डेज वर्किंग 8 आवर्स इन ए डे। रमित जो है एक वर्क को 25 डेज में कंप्लीट करता है, जबकि वो 8 आवर्स वर्क करता है 1 डे में। इफ़ ही वांट्स टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, भाई यदि वो उस वर्क को जो है 20 डेज में फिनिश करना चाहता है तो हाउ मैनी आवर्स शुड ही वर्क इन ए डे, तो उसको कितने टाइम आवर्स जो है वर्क करना पड़ेगा दिन में। तो इसके लिए भी देखिए नंबर ऑफ डेज कम हो गए तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वर्क एंड टाइम देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम डेज और यहाँ पे टाइम इन आवर्स। अब देखिए 25 डेज और 8 आवर्स हैं उसका। इफ ही वॉन्ट्स टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, डेज कितने हैं 20,
तो हाउ मैनी आवर्स शुड ही वर्क इन ए डे, तो कितने टाइम जो है इसको वर्क करना पड़ेगा दिन के अंदर, यानी ज़्यादा टाइम करना पड़ेगा तभी उसका जल्दी होगा काम, ठीक है, 20 डेज में। तो ये देखिए, जब नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो गए तो उसका वर्क जो है यानी टाइम जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इनवर्स वेरिएशन में इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये ए होता है और ये बी होता है नीचे वाला। तो 25 × 8 इज इक्वल टू 20 × x। अब 20x आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू 25 × 8। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 25 × 8 अपॉन में 20, ये इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, 5 पे कैंसिल होता है, 5 5 दा 25, 5 4 जा 20, 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, तो 5 2 जा 10, 10 आवर्स उसको जो है वर्क करना पड़ेगा। टाइम क्या आ गया उसका, 10 आवर्स, कितना आ गया, 10 आवर्स उसको वन डे के अंदर जो है वर्क करना पड़ेगा, तभी वो उसको 20 डेज में कंप्लीट कर पाएगा। तो ये देखिए, उसका टाइम इंक्रीज हो गया जब नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हुए। तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देना है, समझ के करना है बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंड क्वेश्चन है, उदित कैन कम्प्लीट हिज वर्क इन 10 डेज, वट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन 8 डेज। अब देखिए, यहाँ पे वर्क दिया हुआ है भाई, वो 10 डेज में वन वर्क जो है कम्प्लीट करता है उदित, तो 8 डेज में वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क कम्प्लीट करेगा। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा ये डायरेक्ट वेरिएशन का है। ये हमने टेबल ड्रॉ कर ली, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेज, यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क, अब देखिए 10 डेज में उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 डेज, 10 डेज में वो कितना कंप्लीट करता है, वन वर्क कंप्लीट करता है, तो वन लेंगे हम क्योंकि इसमें दिया नहीं है वर्क, ठीक है, तो वन वर्क है वो। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 डेज, तो 8 डेज में वो कितना कंप्लीट करेगा वर्क, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम क्या करते हैं, ए लेट कर लेते हैं अमाउंट ऑफ वर्क, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन रहेगा। क्या है ये, डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया था, ये एक्स है और ये वाई है, तो 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको पहले क्योंकि ए डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा, 10a इज इक्वल टू 8 × 8, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/10। तो 2 से कैंसिल करो, 2 4 जाए 8, 2 5 जाए 10, 4/5, तो उसका अमाउंट ऑफ वर्क क्या आ जाएगा, कितना वर्क करेगा वो, 4/5, ये अमाउंट ऑफ वर्क आ जाएगा वो 8 डेज में कंप्लीट करेगा इतना वर्क, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है भाई, 10 डेज में वो वन वर्क करता है तो 8 डेज में कितना करेगा, ठीक है, कम करेगा, यानी नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो गए तो उसका अमाउंट ऑफ वर्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है, 20 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 डेज, देन हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 12 मैन टू बिल्ड द सेम वॉल। अब 20 मैन जो है 9 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 12 मैन उसको कितने दिन में करेंगे वो हमने फाइंड करना है। अब देखिए, नंबर ऑफ मैन डिक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे इसके, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैन और नंबर ऑफ मैन और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन रहेगा, हम क्या करते हैं उसी तरह से ये बॉक्स ड्रा कर लेते हैं, ये टेबल ड्रॉ कर ली हमने, यहाँ पे लिखेंगे मेन, यहाँ पे लिखेंगे डेज, 20 मैन 9 डेज में कंप्लीट करते हैं वर्क।
हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, हमें टाइम फाइंड करना है, 12 मैन टू बिल्ड द सेम वॉल, 12 मैन है और हमें उसका नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको, इसको उसी तरह से पी लेट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो होगा इनवर्स वेरिएशन का होगा, तो इनवर्स वेरिएशन के लिए हम क्या करते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। तो देखिए ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ए है और ये क्या है बी, तो 20 × 9 इज इक्वल टू 12 × p, यानी 12 p जो है 20 × 9 के इक्वल है, 12 p इज इक्वल टू 20 × 9। तो p फाइंड करना है, p इज इक्वल टू 20 × 9 अपॉन में क्या हो जाएगा 12। अब ये कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो इसको, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 5 3 जा 15, तो ये 15 डेज आ जाएंगे। तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ गई, तो उसका वर्क जो होगा 12 मैन जो है वो कितने दिन में करेंगे, 15 डेज में आ जाएंगे, 15 डेज में उस वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मैन डिक्रीज हो गए तो उसके नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे, तो हो गए इंक्रीज, तो इनवर्स वेरिएशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, देखिए गीतिका वेव्स 20 बास्केट इन 30 डेज। भाई गीतिका जो है 20 बास्केट बुनती है 30 डेज में, इन हाउ मैनी डेज शी विल वेव 120 बास्केट, यानी 20 बास्केट 30 डेज में वेव करती है, तो 120 बास्केट ज़्यादा दिन में करेगी, तो नंबर ऑफ बास्केट इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ डेज भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो रहेगा ये डायरेक्ट वेरिएशन का रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ कर ली हमने टेबल, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बास्केट्स, और यहाँ पे डेज, 20 बास्केट 30 डेज हैं, 20 बास्केट 30 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल शी वेव 120 बास्केट, तो 120 बास्केट कितने दिन में वो वेव करेगी। तो ये हम क्या लेट कर लेते हैं, इसको ए लेट कर लेते हैं। तो ये एक्स है और ये वाई है, ये डायरेक्ट वेरिएशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि 20 बास्केट वो 30 डेज में बुनती है, तो 120 बास्केट जो है वो ज़्यादा दिन में बुनेगी, तो नंबर ऑफ बास्केट इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ डेज भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन का रहेगा, तो उसमें एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो 20 अपॉन 30 इज इक्वल टू 120 अपॉन a। तो इस तरह से ये कर दीजिए, इसको a की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 20 a इज इक्वल टू 120 × 30, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 120 × 30 अपॉन में क्या लिखेंगे, 20, 20 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1 2, 2 6 12, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, तो ये 180 डेज उसको लगेंगे बुनने में, 120 बास्केट, ओ सॉरी 180 डेज, 120 बास्केट को बुनने में कितने डेज लगेंगे, 180 डेज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व